पिता के लिए दुकान पर खाना लेकर आती है और अपने साथ अपने बेटे जुगल को भी लाती है। दुकान पर आते ही जुगल की नजर एक छोटे से बकरी के बच्चे पर जाती है। ये तो बहुत ही सुंदर है माँ, क्या मैं उस बकरी के बच्चे को छू सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने इसे कल ही खरीदा है, इसे खिला पिला कर हट्टा कट्टा बना दूंगा, फिर इसे काट कर इसका मांस बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। बाबा इसे मारना मत, देखो ना ये कितना मासूम है और कितना प्यारा भी, देखो ना ये मेरे साथ खेल रहा है, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकता हूँ? क्या सोच रहे हो जी, अपने बच्चे के लिए थोड़ा नुकसान नहीं उठा सकते क्या? उसे देखो वो कितना खुश है उसके साथ। हीरा अपने बच्चे की खुशी के लिए हाँ बोल देता है। जगन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बकरी के बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है। उसने उसका नाम शेरा रखा। शेरा के साथ वो दिन भर खेलता, जो खुद खाता उसे भी खिलाता। जगन को मीट खाने का बहुत शौक था, इसलिए उसके बाबा अपनी दुकान से उसके लिए रोज ताजा मीट लाते थे। बेटा स्वाद स्वाद में ज्यादा खाकर कहीं अपना पेट खराब मत कर लेना, क्योंकि तुम ये तीसरी बार सब्जी मांग रहे हो। माँ ये मैं अपने लिए नहीं, मैं तो अपने शेरा के लिए मांग रहा हूँ, देखो ना ये कितने स्वाद से बोटियों को चबा चबा कर खा रहा है। खिलाने दो ना भगवान, देखो ना शेरा भी तो कितने मजे से खाए जा रहा है, देख ना तुम, एक दिन ये छोटा सा बच्चा मीट खा खा कर हट्टा कट्टा हो जाएगा। जगन अपने बाबा की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे जल्दी बड़ा और हट्टा कट्टा बनाने के लिए रोज सुबह शाम मीट खिलाता। कुछ ही महीनों में शेरा बहुत बड़ा तो हो ही गया, पर शेरा के मुंह मांस लगने से वो बहुत खूंखार और खतरनाक भी हो गया था। शेरा रोज आधी रात को बाहर निकलता और गांव के छोटे बच्चों को अपने मुंह में दबाकर उन्हें जंगल ले जाता और उन्हें मारकर खा जाता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ और छिप कर नजर रखो, आखिर ये सब कौन कर रहा है, कौन हमारे बच्चों को चोरी करके ले जाता है। चलो भाइयों जल्दी करो, और हाँ कोई आहट ना हो जरा सी भी, आज हम उस चोर को पकड़ कर ही रहेंगे और गायब हुए बच्चों के बारे में भी पूछेंगे उससे। हाँ सभी गांव वाले छिप जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ शेरा आता है और जग्गू के घर में घुसकर उसका 4 महीने का बच्चा उठाकर ले जाता है। अरे ये तो हीरा के बेटे जगन का बकरा है, इतने दिन से यही हमारे बच्चों को उठाकर ले जा रहा था, अब देख क्या रहे हो, उसका पीछा करो जल्दी, वो जग्गू के बच्चे को उठाकर ले गया है। गांव के सभी लोग शेरा का पीछा करते करते जंगल तक पहुँच जाते हैं और उसे डंडे से मारकर भगा देते हैं। जग्गू के बच्चे की जान तो बच जाती है, पर वो सभी लोग गुस्से में अपने हाथों में मशाल पकड़कर हीरा के घर जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। उस आग में हीरा, उसकी पत्नी और जगन जलकर मर जाते हैं, पर शेरा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। शेरा भूखा प्यासा जंगलों में घूमता रहता है। एक दिन शेरा बहुत रोने लगा, तभी मर चुका जगन भूत बनकर उसके सामने आ खड़ा होता है। मत रो शेरा, मत रो, मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, देख मैं तेरा दोस्त जगन हूँ, अब मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता है तू बहुत भूखा है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, अरे खाता भी कैसे, मैं तो तेरे पास था नहीं, मैं तो मर गया था, अब मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, मुझे सब पता है कि तुझे इंसानी मांस बहुत पसंद है, अब हम दोनों मिलकर इंसान का शिकार करेंगे, फिर तुम उसे पेट भर कर खाना। भूत शेरा की पीठ पर बैठता है और गांव के नजदीक पहुंच जाता है। भूत शेरा को जंगल वापस ले जाता है और उसे वहीं रुकने को बोलता है। तभी शेरा जोर से मैं करने लगता है। शांत हो जा शेरा, शोर नहीं करना बिल्कुल भी, तुम्हारा शोर सुनकर कोई भी जंगली जानवर तुम्हें खा सकता है, मुझे पता है तुम बहुत भूखे हो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं बस अभी जाता हूँ,
और शिकार लेकर अभी वापस आता हूँ। भूत को शेरा के अलावा कोई नहीं देख सकता था। भूत गांव में घुस जाता है और सोचने लगता है, शेरा का भोजन कौन बनेगा? किसे मारूं मैं? किसे अपने साथ लेकर जाऊं? हाँ, उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से ही किसी बच्चे को उठाकर ले जाता हूँ। भूत बच्चों के नजदीक जाता है और उनके सामने शरद को ऊपर उठा लेता है। किसी भी बच्चे को भूत नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ शरद हवा में लटका दिखता है। सभी बहुत डर जाते हैं और भूत भूत बोलकर शरद को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। अरे तुम सब मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे नीचे उतारो, कोई मुझे बचाओ, इस भूत से मुझे बचाओ, माँ माँ बचाओ। शरद का मुंह दबाकर भूत उसे उठाकर जंगल ले जाता है और शेरा के सामने फेंक देता है। ले शेरा, तेरा शिकार, अब तू इसे खाकर अपनी भूख मिटा। ये आवाज किसकी है? कौन है यहाँ? तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे माँ के पास वापस जाना है। शरद भागने की कोशिश करता है, तभी शेरा उसके पीछे पीठ में अपनी सींग घुसा देता है। शरद दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता है। आज शेरा का पेट शरद को खाकर भर गया, पर अगले दिन शेरा भूत को उकसाता है इंसान को लाने के लिए। तू मुझे धक्का मार रहा है ताकि मैं तेरे पेट भरने के लिए इंसान लाऊं? सही कहा ना मैंने? शेरा अपना सिर हिलाने लगता है। ठीक है, मैं आज तेरे लिए एक नहीं बल्कि दो इंसान लाऊंगा। भूत, मेरे गांव में भूत है। हाँ, मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि गांव में भूत है और वही शरद को खा गया। अरे कौन है जो हमें इस तरह खींचे जा रहा है? अरे छोड़ मुझे और मेरी पत्नी को। बातें बनाना छोड़ो और उधर देखो, सुंदर और उसकी पत्नी को भूत ने उल्टा लटका दिया है। अब वो उन्हें खींच कर ले जा रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें। तभी किशन भागता हुआ आता है और दोनों के हाथ पकड़ लेता है। ए भूत, छोड़ इन्हें, इन्हें तू नहीं ले जा सकता। ना दिखाई देने की वजह से तूने खूब भोले भाले लोगों को मार डाला, पर अब नहीं। जा जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा तुझे भगाने के लिए। भूत तांत्रिक का नाम सुनते ही भाग जाता है, पर भूत के हाथ से शिकार छूट जाने पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से गांव में जाने की सोचता है कि तभी उसके सामने उसके माँ बाबा की आत्मा खड़ी होती है। बस कर बेटा, ये खून खराबा बंद कर। एक मामूली से बकरे को तूने मांस खिला खिला कर खूंखार बना दिया और अब तू उसे इंसान पकड़ पकड़ कर खिला रहा है। अगर तू चाहता है कि तुझे अगले जन्म में एक अच्छे इंसान का जन्म मिले तो बेटा ये सब छोड़ दे। मुझे सब पता है, तुम दोनों मुझे मेरे शेरा से अलग करने आए हो। वो मेरा शेरा है, मेरा। मैं उसे भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ वापस गांव में इंसान को लेने, ताकि मैं शेरा का पेट भर सकूं। भूत अपने माँ बाबा की एक नहीं सुनता और गांव में भाग जाता है, पर वहाँ गांव के सभी लोगों ने एक तांत्रिक को बुला रखा था। गांव में कदम रखते ही भूत दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से देख लेता है। तांत्रिक भूत के ऊपर भभूत फेंक देता है। भभूत फेंकते ही गांव के सभी लोगों को भूत दिखाई देने लगता है। भूत दर्द से और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनते ही शेरा उसके पास भागा आता है। जब गांव वाले शेरा को भूत से लिपटे हुए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी शेरा भूत को बचाने के लिए तांत्रिक पर हमला करता है, उसे सींग मारकर नीचे गिरा देता है और आसपास खड़े लोगों पर भी हमला करने लगता है। तभी वहाँ फिर से उसके माँ बाबा की आत्मा आ जाती है। जगन बेटा, इसे रोक, तेरा शेरा खूनी शेरा बन चुका है। अगर तू इसे नहीं रोकेगा तो ये सभी को मार देगा। ये सुनते ही भूत रोने लगता है, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। भूत शेरा को अपने पास बुलाता है और पास में पड़ी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद जगन सबसे माफी मांगते हुए गायब